अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन, जिसका डायरेक्शन किया है आर बाल्के ने और प्रोड्यूस किया है ट्विंकल खन्ना ने। अक्षय कुमार के अलावा सोनम कपूर और राधिका आप्टे आपको इस फिल्म में नजर आ रही है। ये फिल्म पहले 3 दिन तो शानदार कमाई की और 3 दिन में जहां इस फिल्म ने 45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, चौथे दिन यानी कि आज या सोमवार को इस फिल्म ने और भी अच्छा कलेक्शन किया है। फिल्म ने आज यानी चौथे दिन टोटल 12 करोड़ की कमाई की है, यानी कि फिल्म का कलेक्शन अब टोटल पहुंच चुका है 57 करोड़ रुपए। 4 दिन में अक्षय की फिल्म ने वो कर दिखाया जो कोई और फिल्म ना कर सकी बगैर छुट्टियों के। खैर, अक्षय की इस फिल्म में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है कमाई में, क्योंकि आने वाले दिन है छुट्टी के। 13 तारीख को महाशिवरात्रि के पर्व पर भी पूरे भारत में कई जगह छुट्टियां होगी। वहीं 14 तारीख को वैलेंटाइन डे की धूम भी इस फिल्म को देखने को मिल सकती है, यानी कि ये फिल्म पहले एक सप्ताह में तो अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी, यानी कि 100 करोड़ का क्लब तो अब रास्ता अक्षय के लिए साफ हो गया है। तो ये थी पैडमैन के 4 दिन की कलेक्शन की कहानी। 4 दिन 57 करोड़। बॉलीवुड से जुड़ी और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए देखो देखो।